गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस के बारे में थोड़ा सा कुछ बातें, कुछ पिक्चर और कुछ इंफॉर्मेशंस जो एग्जाम के लिए काम में आते हैं तुम लोगों का। शायद ये स्कूल कॉलेज ये नहीं है, बहुत सारे जो जॉब रिलेटेड एग्जाम है, स्पेशली यूपीएससी, आईएएस, डब्ल्यूबीसीएस, सब में, सभी एग्जाम में अशोक से रिलेटेड, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस शुरू करते हैं। अशोक के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं कि ये मौर्यन डायनेस्टी के तीसरा सम्राट थे। बिंदुसार इनका पिताजी थे। 273 BCE में इन्होंने सिंहासन में बैठे थे। और ऐसा कहा गया है कि भारतवर्ष के पहले सम्राट ये थे जिन्होंने अपना जो जब जो भी बातें बोलते थे और जो भी करते थे काम, वो लिख के रखते थे। और इन सब जो लिखित डॉक्यूमेंट्स है, हम लोगों को एडिक्ट्स के रूप में मिला, इंस्क्रिप्शंस के रूप में मिला है। तो आज बातें करेंगे। ये मैप आप शायद तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, डियर स्टूडेंट्स, ये मैप हम इसलिए दिखा रहे हैं कि अशोक का जो पूरा एरिया, जो पॉलिटिकल्स, जो उनका जो साम्राज्य था, ये इस यहाँ पर पूरी तरह से फैला हुआ था। और कहाँ कहाँ ये एडिक्ट्स मिला है, इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा थोड़ा करके नाम लिखा हुआ है। तो हम ये बीच में ये बात बोल लेते हैं, जब तुम लोग ये वीडियो देखोगे, अपना एक एक्सरसाइज बुक हाथ के मतलब सामने रखो, क्योंकि बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, नोट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाले हैं। तो अशोक के जो ऐसा कहा गया है, पारस देश का एक राजा था जिसका नाम था दराइवोस। तो उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किए, जो बातें बोलते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे, वो लिखते थे। तो पत्थर के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस होते थे वो लिखते थे दीवार पे। तो अशोक ने वही वाला इंस्ट्रक्शंस, वही वाला सिस्टम्स हमारे देश में भी फॉलो किए थे, ऐसा कहा गया है। अब आते हैं कि किसने अशोक के इंस्क्रिप्शंस के, जो अभी हम बताने वाले हैं अशोक के बारे में, जो लोग हम जानते हैं स्कूल लेवल से, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, अशोक के इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शंस का मतलब किसने समझाया हम लोगों को, ये बात देखना है। जेम्स प्रिंसेप साहब का ये फोटोग्राफ्स है, पेंटिंग फोटोग्राफ्स है। और बैराट इंस्क्रिप्शन जो राजस्थान के हमारे एसेटिक सोसाइटी में ये डिस्प्ले किया गया है इंस्क्रिप्शन, इसी इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप साहब ने, तो इन्होंने डिसाइफर करके दिए थे। और हम लोगों को मालूम चला कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो तुम लोग एग्जाम में आता है कि जेम्स प्रिंसेप कौन है और या अशोक इंस्क्रिप्शन कब डिसाइफर हुआ था, तो तुम लोग नोट कर लो। अब ये डोनेशन टर्म, मैंने सांची से ये इंस्क्रिप्शन का फोटो लिए है। तो ये टर्म जेम्स प्रिंसेप साहब को बहुत ही इंस्पायर किए थे डिसाइफर करने के लिए, इसलिए मैंने दिखाया। आप आते हैं कहाँ कहाँ अशोक इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिलता है। तीनों जगह से मिलता है, ज्यादातर पिलर, केव और हिल्स में हम लोगों को मिला है। तो मैंने अलग अलग पिक्चर डाले हैं तुम लोगों को समझने के लिए, आसानी हो जाएगा समझने में। अब आते हैं स्क्रिप्ट और लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है प्राकृत ग्रीक एंड अरामिक, और जो स्क्रिप्ट, ज्यादातर इंस्क्रिप्शन, मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिला है। अब कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन खरोष्ठी स्क्रिप्ट में भी मिला, ग्रीक एंड अरामिक स्क्रिप्ट में भी मिला। तो अब आते हैं कि नंबर और द टोटल टाइप्स, नंबर और टोटल टाइप्स अगर हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग 14 मेजर रॉकेडिक मिलते हैं हम लोगों को, 5 तरह के इंस्क्रिप्शन अशोक का हम लोगों को मिला है। और 14 मेजर रॉकेडिक, 2 माइनर रॉकेडिक, 7 मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन, 6 माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन, 3 केव इंस्क्रिप्शन। तो ये है डिटेल्स इंस्क्रिप्शन के बारे में। अब आते हैं कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन मिला है उसके बारे में बताते हैं कि प्राकृत लैंग्वेज लेकिन खरोष्ठी स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया गया, ऐसा इंस्क्रिप्शन का नाम बताइए। तो ये बहुत सारे जॉब रिलेटेड एग्जाम में आता है, तो तुम लोगों को लिखना है रॉकेडिक शाहबाजगरी एंड मनसेरा, जो पाकिस्तान में है, उसका मैंने पिक्चर डाला है डैनी तरफ, एक रेफरेंस हम लोग तुम लोगों को दिखाने के लिए। तो ऐसा इंस्क्रिप्शन कम मिला है, लेकिन मिला है हम लोगों को, प्राकृत स्क्रिप्ट में लिखा है, लेकिन खरोष्ठी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट में। ये इसका
इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं कि ग्रीक और अरामिक भाषा का हम लोग इंस्क्रिप्शन भी मिला तक्षशिला, कंदहार, लगमन जो अफगानिस्तान में है वहां से। अब आते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में देते रहते हैं कि अशोक का ऐसा इंस्क्रिप्शन का नाम बताइए जहां पर दो स्क्रिप्ट हम लोगों को अलग अलग मिलते हैं, दो स्क्रिप्ट हम लोगों को मिलता है। तो ये है दो भाषा का बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन हम लोगों को यहाँ पर बोला गया है। तो बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन के रेफरेंस आप दीजिए ऐसा कहा जाता है एग्जाम में। तो ये कंधार इंस्क्रिप्शन तुम लोगों को एग्जाम में लिखना, सर ई कुना करके विलेज है कंधार के पास ये मिला है। और आप आते हैं कहाँ का मेजर रॉक रेडी के इंस्क्रिप्शन पूरे भारतवर्ष में मिला था, इसका डिटेल्स हम दिखाते हैं। सहबाजगढ़ी मनसरा पाकिस्तान, कलसी उत्तराखंड जो हिमाचल प्रदेश के एरिया है बॉर्डर एरिया, गिरनार गुजरात, और अरारोगुड़ी नांध्रा प्रदेश, धौली एंड जोगर जो उड़ीसा में मिला है। दाहिनी तरफ मेरा पिक्चर है, मैं एक बार मेरे दोस्त देव कुमार से, देव कुमार और मेरे दोस्त जेनू से जो पढ़ते हैं रिसर्च करते हैं तो कलसी गए थे उत्तराखंड, उसी कलसी रॉकेटिक के सामने हम खड़े हैं। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात था कि इंस्क्रिप्शंस के सामने खड़े रहे और हमने बहुत नजदीक से देखा ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या होता है, उसका मतलब समझने की कोशिश किए। तो बहुत एक्साइटमेंट था उस वक्त, तो इसीलिए मैंने पिक्चर शो किए तुम्हारे सामने। माइनर रॉकेटिक जो रॉकेटिक का एक इंस्क्रिप्शन मैंने शो करने की कोशिश की है। यहाँ पर माइनर रॉकेटिक कहाँ कहाँ मिला है, सासाराम बिहार, अरुणा यूपी, रूपनाथ गुजरात, पनगोरिया मध्य प्रदेश, बैराट राजस्थान, मस्की सिद्धपुरा, जटिंगा रामेश्वर, जटिंगा रामेश्वर ब्रह्मगिरी, निट्टूर उदयगलम तो कर्नाटक में ये है, और अररगुड़ी गविमाट पलकीगुड़ी गुडु राजू लामंडगिरी तो ये आंध्र प्रदेश से मिलता है। यहाँ यहाँ हम लोगों को माइनर रॉकेटिक मिला है। पिलर के बारे में हम डिटेल्स में बताएं, एक हम लोग का जो मरियन आर्ट करके वीडियो है उसमें बताया गया है, तो पिलर के बारे में नहीं बोलना है। पिलर में जो इंस्क्रिप्शन, अशोक अपने पूरे साम्राज्य में 40 फुट से भी ज्यादा पत्थर का इंस्क्रिप्ट पिलर बनाते थे, और उसका डिजाइन क्या था वो अलग वीडियो में है। तो इस पिलर के जो बॉडी है उसमें लिख देते इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन हम लोगों को पता चला है। कहाँ का मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है देख लेते हैं। तोपारा पंजाब, मीरठ इलाहाबाद यूपी, लौड़िया अरराज, लौड़िया नंदनगढ़ एंड रामपुर बिहार में मिला है। और माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन सरनाथ कौशाम्बी इलाहाबाद यूपी, सांची मध्य प्रदेश, लुम्बिनी निगलिप नेपाल। ये लुम्बिनी का इंस्क्रिप्शन का मैंने पिक्चर डाले हैं कि ये माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन है। तो बहुत ही इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ से मिलते हैं। अब ये आते हैं बराबर केव इंस्क्रिप्शंस जो बिहार के हैं, ये पिक्चर बराबर केव का मैंने डाला है। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है कि इंपॉर्टेंस क्या है अशोक के इंस्क्रिप्शंस की। इंपॉर्टेंस ये है कि अशोक के इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को अशोक का टाइटल के बारे में पता चलता है, जो देवनामपिय है और प्रियदर्शी, ये टाइटल अशोक हर इंस्क्रिप्शन के सामने इस्तेमाल किए हैं। तो ये टाइटल उन्होंने लिए थे, तो ये इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज मिलता है। और अशोक जो नाम हम लोगों को मिला अशोक के इंस्क्रिप्शन से ही, अशोक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, इनमें से चार इंस्क्रिप्शन ऐसा है जहां पर अशोक का नाम हम लोगों को मिलता है। ये माइनर रॉकेटिक मस्की, गुजरा, निट्टूर और उडीगलाम जो कर्नाटक से हैं, सब इंस्क्रिप्शन यहाँ पर अशोक का नाम हम लोगों को पता चलता है। तो अशोक का इंस्क्रिप्शन का और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि अशोक जो सम्राट थे उनका जो इंस्क्रिप्शन था उसका नाम हम लोगों को मिला है, उनके इंस्क्रिप्शन के चार इंस्क्रिप्शन में मिला है। तुम लोग जॉब में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा इंस्क्रिप्शन का नाम बताओ कि जहां पर अशोक का नाम इस्तेमाल हुआ है, तो मस्की गुजरा निट्टूर उडीगलाम तो तुम लोग लिख सकते हो। ये मैंने मस्क इंस्क्रिप्शन का पिक्चर लगाया है, वेबसाइट से लिए है तुम लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर लिखा है अशोक का नाम, ये पहाड़ी में है कर्नाटक में। अब और इंपॉर्टेंस अगर हम ढूंढते हैं तो अशोक ने सारा जीवन जो इंस्ट्रक्शन दिए अपने प्रजा के ऊपर, ऑर्डर्स दिए हैं, ये सब इंस्ट्रक्शन ऑर्डर सब रेडिक्स में लिखा हुआ है। तो पूरे उस जमाने में ऐसे ही अशोक के साम्राज्य जहां जहां पर फैला हुआ था ये यहाँ पर इंस्क्रिप्शन लिख देते थे, और उनके जो ऑफिसर्स होते थे वो बोलते थे, इसलिए इंस्ट्रक्शन जाता था। और इससे और एक इंटरेक्टली बात पता चलता है कि एरिया ऑफ इस एम्पायर कहाँ कहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ है, इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को हिस्ट्रिकली जो पता चलता है। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को जो नॉलेज मिला आज,
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसे सम्राट जिसको पहले ऐसा कहा गया कि पॉलिटिकली बहुत ही अचीवमेंट्स इनके अच्छे थे, रिलीजियसली इनके अचीवमेंट बहुत अच्छे थे, इसलिए भारतवर्ष का एंशिएंट हिस्ट्री में महान सम्राट में से इनको गिना जाता, मतलब महान सम्राट भी बोला गया है तो अशोक के बारे में। तो आशा करते तुम लोगों को इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी मदद मिले होंगे, एग्जाम के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्त लोगों के साथ शेयर करो जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरा ही उद्देश्य रहा है तुम लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश का जो कल्चर हिस्ट्री है नॉलेज शेयर किया जाए तुम लोगों को, हमारे भारत की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, प्राचीन राजाओं की जो गाथाएं हैं, तो सबको जानने का अधिकार है, तो वही कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।